नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पहला, शिक्षकों पर होगी नीतीश सरकार की मेहरबानी। बिहार में कोरोना को लेकर 17 अप्रैल को होगी सर्वदलीय बैठक। जियो टैगिंग की मदद से शराब माफियाओं पर कसा जाएगा शिकंजा। देश भर से आए कोरोना के डरावने आंकड़े। राज्य में 20 अप्रैल से होगी गेहूं की खरीदारी। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। महिला शिक्षकों पर होगी नीतीश सरकार की मेहरबानी। राज्य की महिला शिक्षकों को जल्द ही नीतीश सरकार के इस फैसले से फायदा मिलने वाला है। इसके तहत सरकार ने पहले ही नियोजित शिक्षकों को तबादले का विकल्प देने की मंजूरी दे दी है, जिसे जून महीने से लागू होना तय माना जा रहा है। इसके तहत शिक्षा विभाग जल्द ही शिक्षकों के तबादले की इच्छा रखने वाले के लिए आवेदन की मांग शुरू करेगा। वहीं इस फैसले के अनुसार दिव्यांग और महिला शिक्षकों को सबसे पहले आवेदन करने का मौका मिलेगा, जिसके बाद महिला शिक्षक मनचाहे जगह पर ट्रांसफर करवा सकती है, बशर्ते आवेदन में सभी जानकारी सही पाई जानी चाहिए। इस प्रक्रिया के लागू हो जाने से सबसे ज्यादा उन महिला शिक्षकों को फायदा पहुंचेगा जो शादीशुदा हैं और काम के साथ साथ परिवार के साथ सामंजस्य बैठाने में जिन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वही इस प्रक्रिया के जून महीने से शुरू होने के कयास लगाए जा रहे हैं। बिहार में कोरोना को लेकर 17 अप्रैल को होगी सर्वदलीय बैठक। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में तेजी देखी जा रही है। इसे लेकर सरकार ने कई गाइडलाइंस जारी किए हैं। वहीं बिगड़ते हालात को देखते हुए राज्य में आने वाले 17 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता राज्यपाल फागू चौहान करेंगे, जिसमें वर्चुअल मीटिंग के जरिए राज्यपाल फागू चौहान सभी दलों के नेताओं से संपर्क करेंगे। यह फैसला बीते दिन डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी से मुलाकात के बाद लिया गया है। इस दौरान कई अहम फैसलों पर विचार विमर्श किया जाना है। तलब है कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए नीतीश सरकार ने पहले ही गाइडलाइन जारी किया है, जिसके तहत 18 अप्रैल तक शिक्षण संस्थानों को बंद रखने व 30 अप्रैल तक सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को 7 बजे शाम तक ही खोलने और धार्मिक स्थलों को इस दौरान पूरी तरह बंद कराने को लेकर आदेश जारी किया गया है। फेमस नैवेद्यम काउंटर को शाम 7 बजे तक खोले जाने का फैसला। राजधानी पटना के महावीर मंदिर में फेमस नैवेद्यम काउंटर को सुबह से शाम 7 बजे तक खोले जाने का फैसला किया गया है। इसके तहत महावीर मंदिर न्यास समिति ने भक्तों के लिए नैवेद्यम लड्डू के काउंटर को नवरात्रि के दौरान शाम 7 बजे तक ही खोले जाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए बिहार सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार सभी धार्मिक स्थलों में 30 अप्रैल तक सार्वजनिक गतिविधियों के आयोजन पर रोक लगा दी गई है। इस दौरान चैत्र नवरात्रि और रामनवमी को लेकर हर साल मंदिर में जुटने वाली भीड़ इस बार नहीं जुटेगी, जिसे लेकर समिति ने शनिवार से मंदिर में भक्तों के प्रवेश को बंद कर दिया, लेकिन भक्तों को नैवेद्यम मिलते रहेंगे। बोर्ड ने पूजा प्रसाद की ऑनलाइन व्यवस्था भी की है। लड्डू को भी ऑनलाइन घर पर मंगा सकते हैं। इसके साथ ही जियो टीवी पर ऑनलाइन दर्शन की भी व्यवस्था की गई है। जल्द होंगे बिहार एसएससी तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा का आयोजन। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कवायद तेज हो गई है। बीएसएससी की ओर से इसके लिए जल्द ही ऑनलाइन आवेदन पत्र मांगे जाएंगे। आयोग के अनुसार इसके लिए प्रक्रिया अप्रैल के अंत या मई के पहले पखवाड़े से हो सकती है। इस वर्ष 1905 सीटों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने बताया कि तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आवेदन की तैयारी चल रही है। इसके लिए इसी महीने के अंत या फिर मई में आवेदन मांगे जा सकते हैं। इसमें सबसे अधिक 1360 पदों पर सचिवालय सहायक की नियुक्ति के लिए अधियाचना आई है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन आवेदन के क्रम में यदि 40,000 से अधिक आवेदक आते है तो दो तरह की परीक्षा आयोजित होंगी। इसमें पहले पीटी परीक्षा, फिर इसमें सफल होने वाले की मेंस की परीक्षा होगी। निपटने के लिए गंडक बराज में प्रतिनियुक्त किए जाएंगे कर्मी। बिहार के बेतिया के वाल्मीकि नगर में स्थित गंडक बराज में बाढ़ से निपटने के लिए पूर्व तैयारियां की जा रही है। इसके तहत बराज में सिंचाई कर्मियों को नियुक्त किया जाएगा। वहीं 10 मई से नहरों में पानी छोड़ दिया जाएगा। इस क्रम में बिहार के अधिकारियों के साथ उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के खड्डा एसडीएम भी कंट्रोल रूम का जायजा लेने पहुंचे थे। इस क्रम में बताया गया कि गंडक बराज के क्षतिग्रस्त 3 फाटक 29, 31 और 33 को बदल दिया गया है, जिसमें से 10 मई को मुख्य पश्चिमी नहर और मुख्य तिरहुत नहर में पानी छोड़ दिया जाएगा। आपको बता दें कि यहां 15 जून से 15 अक्टूबर की अवधि के दौरान कर्मियों को नियंत्रण कक्ष में लगाया जाएगा। बताते चले कि हर साल गंडक के बाढ़ की विभीषिका बिहार के जिलों के साथ ही उत्तर प्रदेश के खड्डा निवासी भी झेलते हैं, जिसे लेकर सारी तैयारियां देखी जा रही है। फणीश्वरनाथ रेणु की 45वीं पुण्यतिथि आज। प्रसिद्ध कथा सम्राट फणीश्वरनाथ रेणु को उनकी 45वीं पुण्यतिथि पर पूरा देश याद कर रहा है। महान कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना गांव में हुआ था। हिंदी साहित्य में देश के गांव के लोकतंत्रीकरण का मॉडल रखने वाले वे पहले कथाकार थे। यही वजह है कि साहित्य जगत में अगर 7 समंदर भी निचोड़ा जाए तो उनके नाम की एक मीम नहीं लिखी जा सकती है। कहते हैं कि रेणु जिसे जीते थे वही लिखते थे। उन्होंने आज ही के दिन 11 अप्रैल 1977 को दुनिया को अलविदा कह दिया था। फणीश्वरनाथ रेणु
के कथा पर ही आधारित हिंदी सिनेमा की तीसरी कसम फिल्म आई थी। वहीं रेणु जी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल की कहानी पाठक को आज भी उसमें डुबा लेती है। दरभंगा एयरपोर्ट विस्तार को लेकर हुई उच्च स्तरीय बैठक। दरभंगा में एयरपोर्ट के विकास और विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। इस दौरान बैठक में हवाई अड्डा की सुरक्षा, भूमि अधिग्रहण और यहां से हवाई सेवा के विस्तार पर चर्चा हुई। इस दौरान सीएम ने दरभंगा हवाई अड्डे की चार दीवारी की ऊंचाई बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि एयरपोर्ट के नामकरण महाकवि विद्यापति के नाम पर किया जाएगा, जिसके लिए पारित प्रस्ताव को केंद्रीय विमानन मंत्रालय को भेज दिया गया है। इसके अलावा बैठक में विमानों की संख्या व एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि एयरपोर्ट को विकसित करने के संबंध में जो भी जानकारी दी गई है उसे लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडियन एयरफोर्स से बात कर सहमति बना ले। आपको बता दें कि इस बैठक में जल संसाधन मंत्री व प्रधान सचिव दीपक कुमार और चंचल कुमार भी मौजूद थे। जियो टैगिंग की मदद से शराब माफियों पर कसेगा शिकंजा। राज्य में अवैध शराब माफियाओं की अब खैर नहीं होगी। राज्य सरकार शराब तस्करों पर जियो टैगिंग के जरिए शिकंजा कसने का प्लान बना रही है। इसके तहत अतिरिक्त टीम ड्रोन कैमरों के अलावा मद्य निषेध विभाग ने एसओपी बनाया है, जिसके तहत अब जिन जगहों पर शराब की बड़ी खेप या फिर फैक्ट्री पकड़ी जाएगी उस जगह की जियो टैगिंग की जाएगी। इसके जरिए उस जगह को डिजिटल मैप पर चिन्हित कर दिया जाएगा ताकि आगे उस जगह की निगरानी की जा सके। इसमें ड्रोन की भी मदद ली जाएगी। निषेध विभाग व पुलिस अधिकारियों के अनुसार एक पखवाड़े के भीतर यह सुविधा शुरू हो जाएगी। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में शराब का धंधा रोकने में इससे मदद मिलेगी। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आज से शुरू है ऑनलाइन आवेदन। बिहार के सभी बीएड कॉलेज में नामांकन के लिए होने वाली बीएड कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट 2021 के लिए आज 11 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 7 मई को निर्धारित की गई है, जिसके तहत बिना विलंब शुल्क के आवेदन 7 मई तक लिया जाएगा। वहीं 8 से 10 मई तक ₹500 विलंब शुल्क के साथ आवेदन स्वीकार्य होगा। इसके तहत सत्र 2021-23 में बीएड में नामांकन के लिए एलएनएमयू को स्टेट नोडल केंद्र बनाया गया है। आपको बता दें कि ऑनलाइन आवेदन के बाद एडमिट कार्ड 25 मई को जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद 30 मई को संयुक्त प्रवेश परीक्षा ली जाएगी। वहीं आंसर की को भी 1 जून को जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद फाइनल रिजल्ट 11 जून को जारी कर दिए जाएंगे। मॉब लिंचिंग के शिकार हुए किशनगंज के थानाध्यक्ष की मां की भी सदमे में चली गई जान। पश्चिम बंगाल में मॉब लिंचिंग से किशनगंज के थानाध्यक्ष अश्विनी कुमार की मौत का गम उनकी मां नहीं सह पाई है। दिवंगत थानाध्यक्ष अश्विनी कुमार की मां का निधन आज सुबह ही हो गया। बता दें कि अश्विनी कुमार का पैतृक घर पूर्णिया के जानकी नगर थाना इलाके में है। माँ बेटे दोनों का अंतिम संस्कार आज एक साथ ही किया जाएगा। अश्विनी कुमार की माँ उर्मिला देवी 70 वर्ष की बुजुर्ग थी। रविवार की सुबह जैसे ही उन्होंने अपने बेटे के शहीद होने की खबर सुनी वो यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनका निधन हो गया। उर्मिला देवी पहले से ही हर्ट की मरीज थी। इस घटना की सूचना मिलते ही गाँव में शोक की लहर दौड़ गई है और हर कोई शहीद दरोगा की बहादुरी, कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी की प्रशंसा कर रहे हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिजनापुर जिले में एक अपराधी की गिरफ्तारी को लेकर छापा मारने गए किशनगंज के थानाध्यक्ष अश्विनी कुमार बीते दिन मॉब लिंचिंग का शिकार हो गए थे। नीतीश सरकार के फैसले पर बीजेपी नेता ने उठा दिया सवाल। बिहार की नीतीश सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन पर उसके सहयोगी दल बीजेपी ने ही सवाल खड़ा कर दिया है। इसके तहत आम लोगों के लिए मंदिरों को 30 अप्रैल तक बंद रखने के सरकार के फैसले पर बिजफी से बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने अपनी आपत्ति जताई है। उन्होंने नीतीश सरकार के इस नए निर्णय पर सवाल खड़े किए हैं। विधायक हरिभूषण ठाकुर ने मंदिरों को बंद करने के मसले पर कहा कि सरकार द्वारा भक्तों को धार्मिक स्थलों पर जाने पर रोक लगाना गलत है। जब लोग ढाबे और पार्क में जा सकते हैं तो मंदिरों में क्यों नहीं जा सकते। उन्होंने कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करते हुए लोगों को मंदिरों में जाने की सरकार को इजाजत देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले साल मुस्लिम भाइयों के रमजान को लेकर छूट दी जा सकती है तो मंदिर पर छूट क्यों नहीं मिल सकती है, जिससे कई परिवार का रोजगार जुड़ा हुआ है। उन्होंने इस फैसले पर नीतीश सरकार को विचार करने की बात कही। राज्य में 20 अप्रैल से शुरू होगा गेहूं खरीद का काम। बिहार में 20 अप्रैल से गेहूं खरीद का काम शुरू हो जाएगा। राज्य सरकार 20 अप्रैल से 15 जुलाई तक किसानों से गेहूं की खरीदारी करेगी। इसके तहत किसानों को ₹1,975 प्रति क्विंटल की दर से गेहूं का भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य में पहली बार सरकारी समर्थन मूल्य पर चना और मसूर की भी खरीदारी की जाएगी, जो कि एक महीने तक चलेगी। इसके मुताबिक चना और मसूर को ₹5,100 प्रति क्विंटल की समर्थन मूल्य की दर से खरीदा जाएगा। इसके लिए राज्य सहकारिता विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने बताया कि कृषि विभाग के पोर्टल से निबंधित किसानों से गेहूं खरीद के लिए 6400 पैक्स और व्यापार मंडलों को निर्देश दे दिया गया है। इसके साथ ही किसानों को 48 घंटे के अंदर ही डीबीटी के माध्यम से खाते में पैसे ट्रांसफर भी कर दिए जाएंगे। इस खरीद प्रक्रिया में व्यापारी और बिचौलियों को शामिल नहीं किया जाएगा। किसान अपनी ही पंचायत की एजेंसी से ही फसल बेच पाएंगे।
आईपीएल में एक दूसरे के विपरीत हुआ सगे भाइयों का मुकाबला। चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल 2021 के दूसरे मैच में चेन्नई टीम को भले ही हार का सामना करना पड़ा, मगर यह मुकाबला बेहद खास बन गया। इसकी वजह यह थी कि कल के मैच में इंग्लैंड के दो भाई एक दूसरे के खिलाफ मैच खेल रहे थे। सैम कुरेन चेन्नई टीम में जबकि टॉम कुरेन दिल्ली टीम का हिस्सा है। सैम कुरेन और टॉम कुरेन दोनों ही भाई इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम के खास खिलाड़ी हैं। इन दोनों में से टॉम उम्र में बड़े हैं। सैम कुरेन साल 2019 में पंजाब टीम में शामिल किए गए थे, लेकिन पंजाब ने उन्हें रिलीज कर दिया था। ऐसे में उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स का दामन थामा और वो अब एमएस धोनी की टीम का अहम हिस्सा बन चुके हैं। वहीं टॉम कुरेन मौजूदा सीजन में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा है। देश भर में आए कोरोना के डराने वाले आंकड़े। देश में कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है, जो डराने वाला है। शनिवार को रोजाना संक्रमण के नए मामले 24 घंटे के दौरान 1.5 लाख के आंकड़े को भी पार कर गया, जो कि महामारी की शुरुआत से अब तक प्रतिदिन मिलने वाले संक्रमितों की यह सर्वाधिक आंकड़ा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक भारत में शनिवार को एक दिन में यानी कि बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,52,682 नए पॉजिटिव केस मिले। इस दौरान 24 घंटे में ही करीब 834 लोगों की मौत भी हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक शनिवार रात तक कोरोना के 1,52,682 नए मामले मिलने से देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,33,58,608 हो गई है। भाई इब्राहिम संग सारा अली खान ने वर्ल्ड सिबलिंग्स डे पर शेयर की खूबसूरत तस्वीरें। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान और उनके भाई इब्राहिम अली खान इंडस्ट्री के बेस्ट ब्रदर सिस्टर में से एक है। इन दोनों के ही सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव देखा जाता है और अक्सर ही इन्हें एक दूसरे संग मस्ती करते हुए भी देखा जाता है। इस बीच 10 अप्रैल को वर्ल्ड सिबलिंग डे को लेकर सारा ने बेहद ही प्यारी तस्वीर शेयर कर अपने सिबलिंग के लिए प्यार जाहिर किया है। तस्वीर में वह गुलमर्ग की बर्फीली वादियों में भाई इब्राहिम संग नजर आ रही हैं। फैंस भाई बहन के इस प्यार भरी तस्वीर को काफी पसंद कर रहे हैं। आपको बता दें कि सारा ने हाल ही में अतरंगी डे की शूटिंग को खत्म किया है, जिसमें वह अक्षय कुमार और धनुष के साथ स्क्रीन शेयर करने वाली हैं। वहीं इब्राहिम खान फिल्मों से काफी दूर हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। सवाल कुछ इस प्रकार है कि आज के होने वाले आईपीएल मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स में किस टीम का पल राज ज्यादा भारी है? आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार से जुड़े लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार।